हाय गाइस, आई एम बैक। चिकन बन रहा है, कंटिन्यू विद चिकन ब्रेस्ट। बन चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अभी जीरा राइस की तैयारी। कुकर में मैंने घी डाला है, देखिए देसी घी, काव घी डाला है। मेरा बेटा काव घी ही खाता है और हम भी काव घी डाला है मैंने इसमें। अभी वो थोड़ा मेल्ट हो जाए तो मैं फिर बाकी का, अब मैं आपको बाकी का सामान बताती हूँ। जीरा राइस में अभी क्या क्या पड़ेगा। शुरू में घी डाल चुके हैं, भी घी गर्म हो रहा है। दो तेज पत्ता, बहुत सारा जीरा और एक बड़ी इलायची ब्लैक कलर की, ब्लैक कार्डमम, लुक एट दिस गाइस, बता रही हूँ। और जीरा और तेज पत्ता, ये देखिए हो गया गरम, तेल मेल्ट हो गया, देखो घी मेल्ट हो गया। घी में ही जीरा राइस बनता है गाइस, हमेशा घी में बनाना। ये देखिए मैंने सामान डाल दिया, देखिए देखिए गाइस, चढ़ कर रहा, देखिए। और यहाँ पे मैंने चावल भिगोए थे, हमारे बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन राइस, तो मैंने यहाँ पे बना। एक्चुअली ये एक ब्लैक कलर कुकर है ना, तो इस नॉन स्टिक है, इसमें ना कम पानी यूज़ होता है और कम घी यूज़ होता है, तो ये नॉन स्टिक है, दैट्स वाई। तड़कर हो गए, सही हो गया सिस्टम। अब मैं डालूँगी इसमें चावल, देखिएगा इसमें डाल दूँ, देखिए बाकी के मैं हाथ से डालती हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए आप, ऐसे तब तक देखिए। थोड़ा सा बैर कीजिएगा इस मुझे, ये मैं अकेली हूँ शूटिंग करने के लिए, कोई असिस्टेंट नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए जब फेमस हो जाऊँगी ना, सारे असिस्टेंट पैदा हो जाएंगे अपने आप, इसीलिए थोड़ा मुझे बैर कीजिए। देखिए गाइस मैंने डाल दिया, मैं इसको ऐसे ये कर रही हूँ, संभाल कर आओ गाइस, पानी अपने ऊपर उड़ने मत देना। ये देखिए ये बॉइल्ड होगा ना, तब कुकर का ढक्कन लगा देना ताकि जल्दी सिटी हो जाएगी। ये गैस बचाने का तरीका है जो मैंने सीखा है अपने पहले वाली कुक से, वो भी बहुत अच्छी थी। ये देखिए अब ये बॉइल्ड होगा ना, तब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और 3 सीटी होने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी गैस को। इसलिए ये बॉइल होने का तरीका अलग है, इससे गैस भी बचता है आप लोग का और वेस्ट भी नहीं होता फिर गैस। देखिए हमारा चिकन बन चुका है गाइस, चिकन इज रेडी गाइस, लुक एट दिस, इट लुक्स सो यम्मी। देखिए गाइस थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा ये कर देना, चिकन को हिला देना। और जो लोग मुझे फेक बोलते हैं ना कि मैं नहीं बना रही हूँ, कोई और बना रहा है, तो कमीनों आ जाओ फिर मेरे घर, एड्रेस भेजती हूँ मदद के लिए, तुम्हारी माँ बहन को लेकर, उनको बोलो मेरी मदद करो अगर मैं फेक हूँ ना, आ जाओ मेरे पास। देखिए मेरा चिकन रेडी है, अब हम इसे ना ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे गाइस, बिकॉज फिर राइस के साथ कैसे खाएंगे ना। सूखा मसाला भी आप खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, बट हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने पानी ऐड कर दिया। दोनों से दो है ना हम लोग, हमारा शेजू तो क्या नाम के लिए खाता है, उससे ज़्यादा नॉनवेज पसंद नहीं है, बट खाता है वो थोड़ा बहुत, अभी मम्मा का देखकर। नॉनवेज लवर बनेगा ज़रूर, फिश लवर, मराठी हो ना, मराठी अगर नॉनवेज नहीं खाएगा तो खाएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा फिर। नॉनवेज तो चाहिए हम महाराष्ट्र को। मैंने ढक दिया है गाइस, वो अपने आप बन जाएगा, बन गया है ऑलरेडी ग्रेवी के लिए। ये देखो बॉइल्ड हो गया, अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। सो वेट मिनट, आई एम गोइंग टू लॉक दिस, वेट। ये देखिए गाइस मैंने ढक्कन लगा दिया है क्विकली, अब ये 3 सीटी के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। खाना मेरा तैयार है गाइस, हो गया। अब मुझे ये सब बाई कल सुबह आएगी वो साफ कर दी, अब मेरे में ताकत नहीं है गाइस, थक गई मैं, ऐसा समझ लो सर में मैं थक गई हूँ।
बिकॉज इतना काम करने के बाद आराम भी, क्योंकि मैं आज बाहर भी गई थी, थोड़ा बैंक में मेरा काम था, बैंक गई थी मैं, तो अभी ये सब बाद में मैं हटाऊंगी। इसमें रखी हूँ मैं रात को सारे बर्तन इकट्ठा करके, क्योंकि फिर ये ना हो प्रॉब्लम नहीं हो, या इसे हम बंद कर देते हैं। इसका काम हो चुका है, देखिए मेरा मसाले का डब्बा भी कितना नीट एंड क्लीन रहता है। ऐसे रख दूँगी साइड में, इसके यहाँ पर यहाँ रख दूँगी। ठीक है, एक सिटी हो गई, ऑलरेडी एक सिटी हो चुकी है। इसे ज़रा हटाएंगे सब चीज़ों को, रिटर्न एक सिटी हो गई, दूसरी हो गई है। ये देखिए मैं भी हो गई है गाइस, मेरा किचन भी साफ हो गया है। मेरा उठा किचन का प्लेटफॉर्म मैंने साफ कर दिया है गाइस, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सब गंदा क्यों रखती है भाई। नहीं तो क्या, ये मैंने आप लोग को कहा ना, इसको टाइम नहीं लगता, ये तुरंत हो जाता है, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हो गया, अब जीरा राइस और चिकन तैयार होने के बाद प्लेट सजाकर आप लोग के पास पेश करूंगी, फोटो के थ्रू या वीडियो के थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल। जल्दी जाइए, शेयर कीजिए, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना, मेरी मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, आप मेरे अपने हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो टॉप टिल टू एंड। ठीक है ना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, शेयर करो, भागो जल्दी, और लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, दुआ करना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना। दोबारा मिलती हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे प्रेस करना भूलना मत, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। लव यू, ब्लेस यू, बाय।